धन्यवाद जो आपने इतना हमारा जो बजट सेशन था उसको सबने कवरेज किया। इसके लिए सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अभी हमने एक और फैसला किया है कि शिमला में जो एप्पल होता है, सेब होता है, उसके लिए हमने पीछे कहा था कि हम यूनिवर्सल कार्टन बॉक्स की तरफ भी देखेंगे और किसान को नुकसान ना हो, बागवान को नुकसान ना हो, जो एप्पल ग्रोअर्स है उनको नुकसान हो, उस दृष्टि से हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर्स और रोहित ठाकुर जी ने उसको स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद ये पाया कि किसानों का जो एप्पल का जिसमें एप्पल भरा जाता है बॉक्स होता है वो कई बार 24 किलो का होता है, कई बार 28 किलो में का होता है, लेकिन वो पेटी के रेट के हिसाब से उसको प्राइस मिलता है। अब जो पेटी के रेट के हिसाब से प्राइस मिलता है कि ये पेटी है इसका प्राइस हो गया कि 900 रुपये पेटी गई जी, 1000 रुपये पेटी गई, कितने किलो सेब है वो चाहे 30 किलो ही है। तो उस दृष्टिगत हमारी सरकार ने बागवानों के हित के लिए काफ़ी सोच विचार किया और जो जगत सिंह नेगी जी हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है, हमने ये फैसला किया है जितने भी बागवान हैं हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो एप्पल ग्रोवर्स है या और भी बागवान है, कि जो भी वेट के हिसाब से जो भी हमारे किसान होंगे, बागवान होंगे, हम वेट के हिसाब से पर किलो के हिसाब से उसका रेट तय करेंगे। ये फैसला हमारा आज हुआ है, ये बागवानों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। कई बागवान बेचारे गांव में 30 किलो की पेटी भर के दे देते थे, 25 किलो की पेटी भर के दे देते थे। इस दृष्टिकोण से आज हमने बागवानों के हित में ये फैसला किया कि पहले तो यूनिवर्सल कार्टन बॉक्स के बारे में पता करेंगे कि इतनी जल्दी उपलब्ध हो सकता कि नहीं हो सकता। अगर नहीं हुआ तो हमने अभी ये इंतजाम किया है कि वेट के हिसाब से किसान को उसका उचित मूल्य मिले, बागवान को उसका उचित मूल्य मिले। इस दृष्टि से कौन से हमने एक नियम लागू कर दिया है कि जो अगला जो हमारा एप्पल का सेफ सीजन होगा उसमें हम वेट के हिसाब से कीमत की तय करेंगे। धन्यवाद।